देखो क्या करना है जी, कुछ नहीं करना, शांति से समझते चलना। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, अलजेब्रा का डिवीजन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, डिवीजन पढ़ा है ना। तो यहाँ पे वो हम अलजेब्रा के डिवीजन में आपको यूज करेंगे कंसेप्ट। कैसा कंसेप्ट सर, इस तरह से एक्स है यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या चीज से मल्टीप्लाई, एक्स में क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स स्क्वायर आ जाए। तो आपको बचपन में बाबू एक हम बताए थे, जब भी बाबू है ना अगर मल्टीप्लाई, शांति समझना आप, अब डोंट राइट एनीथिंग, 20 मिनट आराम से सुनो, शांति से 20 मिनट सुनोगे पूरा अलजेब्रा आसान होगा, नहीं सुनोगे नहीं समझ में आएगा, है ना। ठीक, मात्र 20 मिनट सुनना। अब शांति समझा, आपको बाबू बताए थे बाबू जब भी बेस अगर सेम रहता है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, बेस सेम है, पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है ना। इसी बात को उलट के यहाँ पे कहा गया, इसी बात को क्या कहा गया, उलट उलट के कहा गया। जैसे बाबू आपको बोले थे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बराबर बेस सेम है, पावर क्या होगा, ऐड होगा, एक्स का पावर क्या होगा, 4 होगा। ठीक, जैसे बाबू क्या कहा देगा बाबू, है ना, जैसे बाबू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना, मान लो एक्स 4, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो एक्स का पावर कितना, 6, है ना, 6, है ना। अब शांति से समझना, ठीक। तो यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड हो गया, बेस सेम है, पावर ऐड हो गया। अब अगर आपको क्या किया जाए, है ना, शांति से समझो, यहाँ से ये हटा दिया जाए, ये हटा दिए। अब आपको बोला जाए बाबू एक्स में हम लोग किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, या एक्स में यहाँ एक्स का पावर कितना रखेंगे कि इधर एक्स स्क्वायर आ जाए। सोचो शांति से, खाली सोचते चलना, जो अभी समझा है उसी को यूज करना। यहाँ एक्स है, एक्स में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स स्क्वायर आ जाए, इसी चीज को हम लोग डिवीजन में यूज करेंगे। इसीलिए बता रहे हैं, फ्री फोकट में नहीं बता रहे हैं, इसी बात को बार बार हम लोग डिवीजन में यूज करेंगे, है ना, इसीलिए बता रहे हैं। इसी बात को आपको समझना है, कह रहा है यहाँ एक्स है, एक्स में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स स्क्वायर हो जाए। तो पावर यहाँ 1 है ना, तो 1 है तो हमको नीचे एक्स है, तो यहाँ एक्स लिखो। अब पावर 2 लाना है ना, तो पावर यहाँ पे 2 लाना, एक 1 है, तो अब यहाँ पे कितना पावर रखोगे कि 2 हो जाए, 1 रखोगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, जैसे एक्स के पावर 2 है, एक्स के पावर 4 है, तो एक्स के पावर 2 में कितना पावर ऐड करोगे कि पावर 4 हो जाए, कितना पावर ऐड करोगे कि पावर 4 हो जाए, है ना। एक्स के में बाबू कितना पावर ऐड करोगे कि पावर क्या हो जाए, 4 हो जाए, है ना। तो एक्स में हम लोग 2 पावर ऐड करेंगे, एक्स का क्या करेंगे, पावर 2 ऐड करेंगे, तो 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा, यही ना होगा। हाँ सर, जैसे 6 है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स के पावर 2 है, अब एक्स पे कितना पावर ऐड करेंगे कि 6 आ जाए, तो एक्स के पावर कितना, 4 ऐड करेंगे, 4 ऐड करें, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है ना, 6 हो जाए ना। तो इसी कंसेप्ट को हमको क्या करना है, यूज करना, इसी कंसेप्ट को क्या करना है, यूज करना है ना, यूज करना है ना। ठीक, इसी को हमको क्या करना है, यूज करना। कैसे यूज करेंगे सर, यहाँ पे आईसी को यूज करेंगे डिवीजन में, समझो। ठीक, बस कुछ नहीं है, खाली मजाक मजाक किया गया है ना, मजाक मजाक किया गया है ना, वो पढ़ाई के साथ कुछ नहीं किया गया। कह रहा है एक्स यहाँ, एक्स के पावर 2 लाना, तो ऑलरेडी 1 पावर दे ले, अब एक्स का पावर कितना रखोगे कि 2 आ जाए, तो बेस सेम है तो 1 में कितना जोड़ोगे कि 2 हो जाए, 1 जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना हो जाए, 1 हो जाए। एक्स के पावर 4 है, एक्स के पावर 2 दे ले, तो कह रहा है यहाँ एक्स का पावर कितना, एक्स पावर 2 होगा। अच्छा ठीक है सर, एक्स का पावर कितना रखेंगे सर कि 4 हो जाए, तो 2 तो दे ले, तो पावर 2 करेंगे, तो 2 + 2 कितना, 4। नेक्स्ट बाबू यहाँ पे देखो, पहले नंबर है ना, तो नंबर का हिसाब किताब कर लो, 2 है यहाँ, 6 है, तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे, नंबर रहेगा तो नंबर का हिसाब किताब कर लेना, और उसके बाद पावर का करना है। 3 नंबर है तो, नंबर है तो नंबर का हिसाब किताब करना, अब फिर पावर रहेगा तो पावर का करना है ना, पावर का करना। एक मिनट बाबू, लैपटॉप ऑन करने दो। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, चलो है ना। मतलब क्या सर, यहाँ 2x² है, यहाँ 6 है, तो पहले 6 है तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए। बचपन से सीखा है सर, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स 4 है, तो एक्स में कितना से, एक्स स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे सर कि एक्स 4 आ जाए, तो पावर 2 है तो पावर 4 लाना, कैसे करोगे, 2 और कर दो, तो 2 + 2 कितना, 4, और 2 × 3 कितना, 6। नेक्स्ट समझना, यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ पे कितना नंबर मल्टीप्लाई करोगे 3 में कि नंबर में मेरा 12 आ जाए, नंबर में क्या आ जाए, 12 आ जाए, जब 12 आ जाए ना, 12 आ जाए, कितना करोगे। ठीक सर, कोई नंबर से कनेक्ट किया है,
बहुत कुटेंगे शैतान, एक बार हमको भी पता है बाबू, ठीक है ना। लैपटॉप लाओ, रिकॉर्डिंग नेक्स्ट बाबू। चलो चलो सीखो बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट कर दिया। अच्छा म्यूट करो, थ्री एक्स है और ट्वेल्व है, तो पहले नंबर है तो नंबर का हिसाब किताब, थ्री में कितना मल्टीप्लाई करेंगे फिर से ट्वेल्व, म्यूट करो जी, थ्री में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ट्वेल्व हो जाए, फोर हो गया, थ्री में कितना से मल्टीप्लाई करें ट्वेल्व हो जाए, फोर हो गया, ठीक बाबू। और यहाँ मन से पढ़ना सुतोष बाबू, खाली सुनना बाबू, समझ में आ जाएगा, सबसे आसान वाला यही है। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स फाइव है, तो यहाँ पावर नहीं कुछ है, तो कितना वन है, तो एक्स के पावर वन है। अब एक्स के पावर कितना ऐड करोगे कि पांच हो जाए, तब फोर एक्स कितना करेंगे, फोर करेंगे, अरे तो थ्री थ्री मल्टीप्लाई फोर कितना ट्वेल्व, एक्स के पावर वन, एक्स के पावर फाइव फोर, तो बेस में पावर ऐड कर दो, वन प्लस फोर कितना फाइव, है ना। सबसे पूछिए ना, अरे शैतान शांत रहो, कहाँ गया विक्रम जी, विक्रम लीव कर गया जी, उसको शैतान को कुछ को पढ़े में नहीं मन लगता बाबू, भगा नहीं में उसको फायदा, मन से पढ़ना सुन, फोर एक्स है और सोलह एक्स क्यूब है, तो पहले नंबर लाओ, फोर में कितना से मल्टीप्लाई करो कि सोलह आ जाए, फोर से, फोर में कितना से मल्टीप्लाई कि सिक्सटीन आ जाए, फोर मल्टीप्लाई फोर सिक्सटीन, नेक्स्ट समझना। अब यहाँ एक्स क्यूब है, क्या एक्स रेज टू द पावर थ्री है, यहाँ क्या एक्स रेज टू द पावर वन है, तो एक्स में हम लोग कितना मल्टी वन है बाबू, तो कितना और जोड़ेंगे कि तीन आ जाए, एक्स के पावर कितना करेंगे टू करेंगे, एक्स के पावर कितना करेंगे टू करेंगे, है ना, टू करेंगे, ठीक, एक्स के पावर कितना करेंगे टू करेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो गया कितना हो गया टू हो गया, नेक्स्ट बाबू। फाइव है ना, यहाँ पे समझना है, यहाँ फाइव एक्स फोर है और यहाँ पे एक्स फोर है, यहाँ पे क्या एक्स फोर है, ठीक, तो एक्स फोर तो एक्स फोर है ही है सर, तो हमको कोई मल्टीप्लाई करे की जरूरत नहीं, यहाँ एक्स फोर तो है ही है सर, तो मल्टीप्लाई करो की जरूरत नहीं है, नंबर अब समझना, अब किस में समझना, नंबर में, है ना, यहाँ फाइव है तो फाइव में किससे मल्टीप्लाई, यहाँ नहीं ना कुछ है जी, यहाँ समझना सो तो शैतान, यहाँ नहीं कुछ है तो वन है, किसी भी वेरिएबल का आगे नहीं कुछ रहता, वन होता, अब फाइव में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि वन हो जाएगा, कोई फाइव नंबर है ना, तो फाइव में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि वन हो जाए, है ना, फाइव, फाइव में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई, फाइव मल्टीप्लाई वन बाई फाइव करेंगे बाबू, है ना लक्ष्मी, फाइव में एक वोटा पांच से मल्टीप्लाई करेंगे तो पांच पांच मर गया कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, किसी भी नंबर में बाबू, जैसे मान लो चार बटा तीन में बाबू कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि वन हो जाए, चार बटा तीन बटा चार है, थ्री बाई फोर है, तो अगस्त वीडियो ऑन करो, थ्री बाई फोर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि वन हो जाए, तो कितना करेंगे फोर बटा थ्री, फोर बाई थ्री, अल्टीमेटली मर गया फोर फोर थ्री थ्री क्या बचा वन बचा, तो इसी बात को सोचना है, ठीक, तो यहाँ पे क्या करना बाबू, फाइव में कितना मल्टीप्लाई करें वन हो जाएगा, वन बटा फाइव से करेंगे, है ना, एक्स फोर है ही है सर, तो एक्स फोर वाला है, तो उसके मेरा हमें सोचने नहीं है, सोचने नहीं है, नेक्स्ट बाबू, एक्स है मल्टीप्लाई टू एक्स है, तो एक्स एक्स तो है ही है सर, एक्स एक्स है ना, पावर वोर नहीं कुछ, एक्स एक्स हो गया, अब एक्स में कितना से मल्टीप्लाई टू हो जाए, यहाँ कितना मल्टीप्लाई करोगे टू बन जाएगा, तो सिंपली टू कर दो, कूट देंगे पकड़ के, ठीक है ना, सिंपली टू करोगे तो x मल्टीप्लाई टू इक्वल टू कितना टू एक्स हो जाएगा, x मल्टीप्लाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट एट एक्स है, यहाँ सोलह एक्स स्क्वायर है, तो आठ में कितना मल्टीप्लाई करोगे सोलह हो जाए, दो हो जाए, दो एट टू जाए सिक्सटीन, और यहाँ x है, यहाँ x रे टू पावर थ्री है, तो यहाँ वन है, अब x के पावर वन है, तो x के पावर में कितना ऐड करोगे कि तीन हो जाए, तो x के पावर दो ऐड करोगे टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसी बात को हम लोग यूज करेंगे, बार बार बोल रहे हैं, ठीक, शांति नहीं है, नेक्स्ट बाबू, यहाँ टू है, यहाँ फोर एक्स है, ठीक, तो दो में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि पहले नंबर आ जाए, दो में कितना मल्टीप्लाई करें चार आ जाए, दो है आपको चार लाना, तो दो मल्टीप्लाई करो, ठीक, नेक्स्ट बाबू, इसमें एक्स नहीं है लेकिन इधर एक्स है, तो एरा में कितना लिखोगे, एक्स लिखना पड़ेगा, यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक, नेक्स्ट तीन बटा चार में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि चार बटा तीन आ जाए, मतलब बाबू तीन बटा चार में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि चार बटा तीन आ जाए, है ना, इसको सोचो, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मल्टीप्लाई कर देंगे,
नो सर, मुझे लगा वो भी 3x4 है सर। शांतनी वीडियो ऑन कीजिए, लेट से कहा आते हो शांतनी मैम, तो कंसेप्ट पे छोड़ देती बाबू। तो सर ज्वाइन नहीं हुआ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए लेट हुआ। इतना देर से कोशिश करी, नहीं हुआ, हुआ था बीच में भी हो गया था। गाई क्यों बाबू, नहीं ना जाती या मोबाइल ऑनलाइन क्लास लिए हुई है, थोड़ा सा पानी उनी पी के आती, मोबाइल लीव नहीं करती, लीव करना जरूरी था जी। देखो 16x9 होगा, 3x4 में वो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे सर कि 4/3 हो जाए, है ना, 4/3 हो जाए, है ना। ठीक हो तो सोचो कैसे सोचेंगे सर, 4/3 लाना है ना। हाँ सर, यहाँ 3/4 दिया हुआ, ठीक। तो हम लोग कितना मल्टी, 4/3 लाना, तो इसको क्या करो, 4/3 दो बार मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 × 4/3 है ना, मतलब 4/3 × 4/3 दो बार अगर मल्टीप्लाई कर देते तो एगो ये 3/3 मर गया, 4/4 मर गया, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 4/3 आ गया। मतलब हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16/9 से। इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16/9 से, ठीक। नेक्स्ट समझना है, 2/x² है, और कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि x^4 हो जाए। तो पहले देखो 2/3 है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 हो गया, पहले नंबर का हिसाब किताब करो। तो क्या करा, 2/3 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 1 हो जाए, अरे नंबर 2/3 है, यहाँ 1 हो गया, तो 2/3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 हो जाए, 1 हो जाए। बाबू विक्रम बार बार लीव क्यों होता, विक्रम ऐसे नहीं क्लास होता बाबू, विक्रम नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, बहुत नेटवर्क। बाबू कौन सा वाईफाई ले ले जी, हद करता है जी, उसको बोलो फोन करके वाईफाई दिया कि, अरे वो हमको भी पता है मेरे लाल, स्ट्रीम फाइबर आपका, ठीक है ना। 2/3 है बाबू, कितना से मल्टीप्लाई करने को बना जाएगा, तो 2/3 को कितना से करोगे, 3/2 से करोगे, ये मर गया, 3/3 आ जाएगा, मतलब इसमें कितना करेंगे, 2/3/2 से करेंगे, ठीक। ये हिसाब किताब हो गया, नंबर का हो गया, नंबर का हो गया। अब एक्स का स्क्वायर है, यहाँ एक्स फोर है, तो एक्स का स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि x^4 हो जाए। एक्स का स्क्वायर, यहाँ x^4 लाना, तो कितना करोगे, एक्स स्क्वायर से करोगे, मतलब अल्टीमेटली हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 x^2। अरे भोली समझ में नहीं आया, भोली देखो, भोली 2/3 है, भोली एक्स स्क्वायर है, समझना है बाबू। विक्रम आपको क्या कर रहा है, विक्रम शैतान, 2/3 x² है बराबर आपको कह रहा है x^4 लाने के लिए, ठीक। तो 2/3 है, यहाँ सिर्फ क्या x^4 है, नंबर नहीं है, ठीक। यहाँ क्या है, म्यूट करो जी, ठीक। देखो जी 2/3 है, यहाँ नहीं वेरिएबल का आगे कुछ है तो क्या 1 समझेंगे। तो पहला क्या समझो, 2/3 में कितना से मल्टीप्लाई, पहले नंबर कैसे हो, 2/3 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 1 आ जाए। तो 2/3 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाए, तो 2/3 में कितना, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ जाएगा ना जी, 3/3 मर गया, 2/2 मर गया, मतलब नंबर में हमको 1 लाना, तो इसी को मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से। अब पावर में आ जाओ, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x^4 है, तो x^2 में कितना पावर ऐड करोगे कि x^4 हो जाए, तो x^2 करेंगे, है ना। बेस सेम होता है, बेस सेम होता, पावर क्या होता, ऐड होता, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/2 x² हो जाएगा, है ना। इसका कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3/2 x², इतना जरा समझ में आ गया, डिवीजन समझ जाएगा, इतना ही कंसेप्ट समझना था आपको, डिवीजन समझा, संकल्प सर लिखे, हाँ लिखो संकल्प, समझा सर, समझा एकदम समझ गया हूँ, हाँ शांति से सुनोगे समझ जाओगे सर, लिखो हम, हल्का हल्का, अच्छा ठीक है। अंशिका लिखी से ताना, अब अटेंडेंस बना देते हैं, ब्लर आ रहा है, अरे बाबू यस सर ब्लर आ रहा है, चलो हुआ क्लियर, अच्छी बात। तन्नु समझे लक्ष्मी थोड़ा सा, हाँ जी सर, वहाँ पे 16x² / 2x लिखा है ना, वो
कौन से नंबर में वो? हाँ डिवाइड टू एक्स, हाँ डिवाइड टू एक्स, हाँ टू एक्स वहाँ पे अभी आ रहे हैं, अभी वहाँ नहीं पहुंचे हैं। उत्कर्ष क्या कर रहा है? उत्कर्ष उधर गप करने में क्या लगा हुआ है जी? अरब नहीं है, 27 तारीख है जी, 28 तारीख इसे दान अरब एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है, इसको तो फिर कुटाई लगेगा। अरब नहीं है, रौनक है, रौनक है जी, रौनक है। काव्या म्यूट कर बाबू, नैतिक समझी? नैतिक है, नैतिक बाबू समझा जी, कहाँ गया नैतिक? शैतान इसका तो नेटवर्क के भागते रहता है। निकू अगस्त्या, ए अगस्त्या वीडियो ऑन करो जी, अगस्त्या लक्ष्मी स्वाति रोशनी वीडियो ऑन करो अगस्त्या। हाँ जी बोलो ना जी। सर ये 16x² के पास गए, 0x0 क्यों लिखे हैं? डिवीजन का सिंबल है, 0x0 नहीं है। सर तो आप इतना मोटा क्यों दे दिए? बच्चा को नहीं दिखाई दे रहा था, सेवन का बच्चा को दिखाई नहीं दे रहा था इसीलिए। सर ग्रुप पे भेज दिए, क्वेश्चन का फोटो भेजा हुआ है ऑलरेडी। सर डन विद आंसर, ओके जल्दी लिखो बाबू। सर मैं अभी लिख रही हूँ, लिखे 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 समझाता क्वेश्चन बना, मैं पानी पीने जाता हूँ। अच्छा जल्दी जा, क्वेश्चन बना के सॉल्व करके भेजता है शैतान, स्वर्ण पिटाई खोज रहा है जी। राइटिंग राइटिंग नहीं भेजता, कुछ नहीं कर रहा इधर बाबू। पापा जी को आज ना फेयर करके भेज रहा है ना कुछ करके भेज रहा है जी। ठीक है सर, आपको साइंस वाला फेयर भेज दूंगा सर, लाइट का। सर फर्स्ट प्लांट्स सर किसको पढ़ना था? आप ही लोग को पढ़ना था सर। आप केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ा है सर? केमिस्ट्री यस सर, कम से कम सर प्लांट्स सर। हाँ काव्या सर, आप क्या हुआ काव्या? बोलिए काव्या क्या हुआ? बोलिए सर मैं जो कल आपको मैथ का भेजी थी वो आपने चेक नहीं किया। अच्छा चेक कर देंगे बाबू। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन, अब हम लोग डिवीजन सीखते हैं। शांतनु समझी लक्ष्मी? सर रुकिए मैं 9th नंबर में हूँ। यस सर। चलो सर रुक जाइए। स्वर्ण नैतिक अब भी नहीं पकड़ रहा, डाटा खत्म कर दिया काजी। समझा उत्कर्ष शैतान? यस सर समझ गया कॉन्सेप्ट। हाँ कॉन्सेप्ट समझना रहता, कुछ नहीं करना रहता। पढ़ाई से आसान कुछ नहीं बाबू, जो बच्चा पढ़ता नहीं उसके लिए टफ है बाबू। आप पूरे इंडिया के किसी भी स्कूल में पढ़ो बाबू, है ना, अलजेब्रा मैक्सिमम को नहीं समझ में आता क्योंकि क्वेश्चन इतना नहीं करवाया जाता है, तो बच्चा कहाँ से समझेगा। अब इसी बात को हमको यूज करना है, जितना अभी हम लोग सीखे उसी बात को यूज करना है आशुतोष बाबू, ठीक है ना? उसी को क्या करना है, यूज करना है बाबू। देखो आपको क्या करा वो डिविजन ऑफ मोनोमियल विथ मोनोमियल, पहला नंबर है। हम आपको अलजेब्रा का डिविजन पढ़ा रहे हैं ना, तो जितना कंसेप्ट पढ़ा है उतना सारे का यूज करना है ना। तो जो डिवीजन है बाबू, हम लोग डिवीजन, अब हम लोग पहले आपको डिवीजन सिखाते हैं। जो बच्चे विक्रम वीडियो ऑन करो, ठीक छूट गया ना नैतिक, वीडियो देख लीजिए बाबू नैतिक और राजनंदिनी, ठीक है? बोली यस सर देख लीजिए। हाँ देख लीजिएगा थोड़ी, तो फिर ये पूरा चैप्टर गोल हो जाएगा। जहां जो नहीं देखी तब पूरा का पूरा चैप्टर गोल हो जाएगा। कल वाला देख के हमको फेयर भेजना लिख के दोनों, नहीं तो फिर डिवीजन आप पूरे का पूरे देखना, नहीं तो डिवीजन फिर गोल हो जाएगा, क्योंकि जितना हमको बताना था हम बता दिए डिवीजन में, अब खाली समझना। देखो हाँ जी सर, डिवीजन के बाद क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन वन भरिए, इससे भी आसान, इससे भी आसान है लीनियर इक्वेशन, है ना? इसमें थोड़ा सा है ना, इससे भी आसान है ना, मैंने उसमें भी थोड़ा सा अलजेब्रा यूज होता है ना।
है ना, इजी से भी आसान है। ठीक, नेक्स्ट बाबू सर, अलजेब्रा के बाद क्या पढ़ेंगे? अरे सर संध्या ने पहले आपको बचपन में डिवीजन पढ़ाया गया होगा। कैसे पढ़ाया गया? जैसे बाबू मान लो बाबू 15 division 2 है, एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं। मम्मी कैसे पढ़ाई है? 2 है, 15 है, 15 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 का टेबल पढ़ते हैं। सर 7.5। अरे सर सांद्रो ने शांति से को आता होता है ना, एक बकेट 2 का टेबल पढ़ेंगे या तो 15 आ जाए, नहीं तो 15 से कम आवे, है ना। 2 का टेबल पढ़ेंगे 15 आ जाए, 15 से कम आवे। अच्छा सांद्रो 2 7 = 15। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे सब माइनस करते हैं। ठीक, सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट का सिंबल देना। सांद्रो जी आर्यन 1 आता है। ठीक, उसी चीज को यहाँ अप्लाई करो। कैसे सर? देखो कैसे, उसी कंसेप्ट को, कोई अलजेब्रा के डिवीजन कुछ नहीं है, बचपन में जैसे सिखाया गया वही करना। 2x है जी, नैतिक राजनंदिनी शांति से सुनना। अब विक्रम कहाँ गया? विक्रम जी हाँ, 2x है, डिवीजन के बाद वाले को डिवाइजर कहते हैं। 16x² हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या पहले नंबर लिखोगे, शांति से समझो। 2 है, 16 है, तो आपको यहाँ पे 2 है ना, यहाँ 16 है, तो यहाँ कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? शांति समझो, जैसे 2x है और आपको लाना है 16x² लाना है। 2x है, 16x² लाना है, ये आपका ये वाला लाना रहता है। तो 2x में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 16x² आ जाए? अभी बताएं, पहले नंबर मल्टीप्लाई करो। 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाए? 8। ठीक, 2 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे 16 हो गया। नेक्स्ट x है, x में क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर हो जाएगा। x से करोगे, बेस सेम है, पावर 8 हो गया। मतलब 2x में बाबू हम लोग किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 8x से मल्टीप्लाई। 2x में 8x से मल्टीप्लाई करो, है ना, मेरा कितना आ जाएगा 16x² आ गया। आ गया ना? ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, सिंबल देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। 16 16 ऊपर वाला नहीं कुछ है तो प्लस है, और ये एक्स स्क्वायर को माइनस है तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो यही डिवीजन हो गया। ये हो गया फर्स्ट मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये फर्स्ट मेथड है, कौन सा में है ना, दो मेथड है वो वाला उधर लिख लेना बचपन में। ये हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड, शांति से समझना लॉन्ग डिवीजन मेथड। सर बचपन में कैसे? सर एक आपने बताया ना सर, माइनस वाला सर। ठीक सांद्रे, हल्ला मत करो। नेक्स्ट बाबू, अगर मोनोमियल है तो इसको सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं, सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। सेकेंड मेथड देखो क्या दे ले, 16x² / 2x दे ले। आपको बताए थे बचपन में, आशुतोष वीडियो ऑन करो बाबू। शांतनी काहे बंद के लिए बोली, काहे अरब लेट से काहे आता है, जो स्पेशल टाइम है अरब। कल लेट नहीं आए थे, फिर लीव हो गए थे। हम तो दर्शाने नहीं देख रहे बाबू, फोन भी कर रहे, उठाता नहीं है शैतान, बहुत कूटेंगे। आज वाला वीडियो अभी देखना, स्कूल जाता है कि नहीं जाता जी? सर परसों से, परसों से तो आज वाला क्लास का वीडियो देख के फेर करके भेजना, नहीं तो कूट देंगे पकड़ के। ठीक है ना, बनाए। हाँ देखो इसको समझो, मैंने तो कंसेप्ट पार कर दिया। 16x² है, सेकंड मेथड से कैसे करोगे? तो आपको बोले थे डिवीजन मेरा क्या, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स है। शांति समझना, मतलब 16x² डिवीजन को क्या करो, मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर दो। ठीक, डिवीजन का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जैसे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिए तो 2x क्या हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा। डिवीजन के बाद वाले जो भी नंबर रहेगा तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन लिख देना, बाद वाला जो भी नंबर रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिख देना। ठीक, उलट देना। अब इसको सोल्व करो, 16x² × 1, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, यही है ना। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 2x। ठीक, 2 से 16 कितना बार में, 8 बार में, तो 8x² / x। ठीक, आपको बचपन में सिखाए थे यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है, सिखाए थे ना। तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और x के पावर 2, यहाँ पावर बेस सेम है, पावर सबट्रैक्ट होता है। डिवीजन में
बेस सेम होता है पावर सबट्रैक्ट होता है, टू माइनस वन कितना हो जाएगा, एट के पावर एक्स हो जाएगा। सर स्क्रीनशॉट कर देंगे सर, नहीं दिखेगा। या ऐसे भी किया तो कोसेंट एट एक्स आया, ऐसे भी किया तो एट एक्स आया। लिखो सर डन। अच्छा ठीक है सर, स्क्रीनशॉट सर। हाँ जी तनु सर, बोल रही थी कि जो आपने अभी जो डिवीजन सिखाया लॉन्ग वाला सर, तो सर क्या हम वैसे में भी कर सकते कि इधर एक टॉप लाइन और ऊपर लिख सकते क्वेश्चन क्या सर, ऊपर लाइन के ऊपर लिख सकती हो, लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे बुक में लिख जाते, इससे सर पे लिख सकती हो। सर मेरा वो आदत है इसलिए सर। आता आदत सुधारी है, अरे अच्छा नहीं लग। नेक्स्ट बाबू सर स्क्रीन शेयर। बहुत पिटेंगे शैतान, डाटा कैसे खत्म कर देता है सर, डाटा खत्म नहीं सर, नेट स्लो चलता है सर, नेट स्लो चलता। क्या कर रहा है विक्रम बैठ के बाबू, जो भी लिखाते उसका फेयर भेजना है विक्रम, नहीं तो बहुत पिटेंगे बाबू, लिखता नहीं है बैठ के खाली आराम से। सर सिर्फ 200 kbps चलता है सर। जल्दी लिखे बाबू, नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझो। मन से पढ़ना सु तो शैतान, अबरी नहीं मिस होना चाहिए बाबू। अब पापा से कैसे बात होगा सुतोष? स्क्रीन से डिस्टर्ब होता बाबू, स्क्रीन शेयर में सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, लोग फोटो खींच के सेंड कर रहे हैं। आशुतोष पापा से कैसे? हाँ जी सर, मेरे को भी आपका ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास खत्म हुआ जी? लिखो जी ग्रुप में भेजें, आपका ऑनलाइन क्लास खत्म हुआ विक्रम? चलो ठीक है बाबू, नेक्स्ट बाबू लिख ली काव्या? Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझो। 570 कहा हुआ जी? समझ नहीं आया। 570 समझिए, देखो 517 में क्या था बाबू, सिंपल एक्स फोर है और डिवीजन कितना है एक्स स्क्वायर, यही है ना? हाँ सर यही तो है, मन से सुनना है बाबू। अर्णब बाबू आशुतोष शैतान संकल्प शैतान सुहन शैतान, ठीक। उधर क्या कर रहा विक्रम? दुद्दू को मोबाइल लेकर शैतान इधर कर खाली करते रहता है। सुनो शांति से, हल्ला मत करो, शांति से सुनो। हमको क्या कह रहा है? तो फर्स्ट मेथड सब क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से नहीं बनाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे। अब फर्स्ट मेथड हम लोग सारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड है वो? लॉन्ग लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा? लॉन्ग डिवीजन। अच्छा ठीक है, शांत शांत रहिए, हल्ला मत कीजिए तनु, शैतानी है कहाँ। नेक्स्ट बाबू कैसे करेंगे सर? एक्स स्क्वायर लिखेंगे और एक्स फोर लिखेंगे। अब आपको सोचना है एक्स स्क्वायर में हम लोग किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स के पावर फोर आ जाए, एक्स स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ई वाला टर्म आपको लाना रहता, कितना से मल्टीप्लाई कर अभी बताएं बाबू, इसी दिन के लिए बताया था। एक्स स्क्वायर में
हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे x के पावर 4 आ जाता है, डेफिनेटली सर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यही करेंगे ना, मतलब x स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, x 4 हो गया, सबट्रैक्ट कर दो, तो ये प्लस माइनस सेम चीज है, मर गया, रिमाइंडर क्या बच गया, जीरो बच गया, है ना। तो ये हो गया सेकेंड मेथड में क्या है, है ना, x 4 डिवीजन कितना है, x स्क्वायर है, ठीक। तभी आपको बोले डिवीजन को किस में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो, इधर वाला क्या हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। हाँ जी, अब देखो यहाँ नहीं कुछ, हाँ जी, यहाँ एक्स बटा वन, वन बटा एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमेटर को डिनोमेटर से, मतलब एक्स फोर मल्टीप्लाई वन वही रहता, वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होता। अब बेस सेम है ना, बताए थे बचपन में, जब बेस सेम होता है डिवीजन में होता है, पावर क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है, तो नीचे वाला पावर क्या करना है, सबट्रैक्ट करना, एक्स के पावर 4-2 कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये करो, तो ऐसे भी इतना, ऐसे भी इतना लिखो, समझा सो तो सर, डन, यस सर, चलो आ रहा जी, समझे लक्ष्मी, थोड़ा सा छत पर से पढ़ रही लक्ष्मी सर, हाँ जी सर, मेरे को भी ग्रुप एडमिन बना लीजिए ना प्लीज, क्या बन के ग्रुप एडमिन कीजिएगा बाबू, शैतानी नहीं सर, मैं कुछ नहीं करूंगा, बना दीजिए ना प्लीज सर। अच्छा चलो, स्वर्ण स्वर्ण है, स्वर्ण बना देगा, क्या चीज नहीं, कुछ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए सर, मुझे तो यही सर डर है, नहीं जी काल हटाएंगे बाबू, पढ़ाई कीजिए, समझ में आया संकल्प, मॉनिटर बना दीजिए सर, सर सेकंड मेथड ज्यादा इजी है, हाँ सेकंड मेथड ज्यादा इजी है कुछ छह क्वेश्चन के लिए, बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट मेथड से ही हम लोग करेंगे सर, मतलब इसमें कट कुट करना है बस, कैंसिलेशन करना, सेकंड मेथड सिंपल क्वेश्चन के लिए सेकंड मेथड से करेंगे, और सर जो बड़ा वाला रहेगा उसको फर्स्ट मेथड से। चलो लिखो जल्दी से, अगला एक क्वेश्चन और समझाते हैं, नहीं लिखा सर, फोटो भेज दीजिए, जल्दी लिखो सर, फोटो भेज दीजिए, मैं भेज दूँ फोटो, आप गर्ल्स ग्रुप में ना भेजिएगा, बॉयज वाला में थोड़ी भेजिएगा, जल्दी लिखो बाबू, मैं आपको शेयर पर आपको उसमें भेज दिया, ग्रुप में डाल दिया, अच्छा ग्रुप में मत भेजिए, हमको भेजिएगा, नेक्स्ट बाबू, मैं तेरे भेज दिया, अच्छा अल्लाह मत कीजिए, एक क्वेश्चन और सीखो उसके बाद डीआईवाई, नेक्स्ट कहता हूं वीडियो ऑन करो जी, वो आपने जो पहले बताया था खूब सारे टू डिवाइड वैसे इसमें भी करेंगे खूब सारे, करेंगे करेंगे करेंगे, पहले ये सीखो ना, 571 देखो बाबू कहीं भी बाबू, मान लो बाबू 2x5 है और डिवाइड करने का रहा बाबू, इसको 2x6 कर लो, 3x, ठीक, कैसे करोगे, शांति से समझना है, फर्स्ट मेथड, ये से आसान जिंदगी में कोई टॉपिक ही नहीं है, थोड़ा सा खाली सोचना है, 3x को डिवाइड करेंगे 6x5 से, अब सोचो पहले नंबर का हिसाब क्या, 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6000, यहाँ वाला इसको कैंसिल आउट करना रहता, 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 6000, 2 से, तो 2 यहाँ लिखना, 6 हो गया, है ना,
एक्स में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स रेस्ट टू द पावर फाइव आ जाए, एक्स में कितना से मल्टीप्लाई करोगे एक्स रेस्ट टू द पावर फाइव आ जाए, अभी बताएं। तो एक्स के यहाँ पावर वन है ना जी, एक्स में एक्स के पावर कितना और ऐड करो फोर, तो टू एक्स फोर है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स एक्स फाइव, सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस, मर गया है ना, रिमाइंडर जीरो आ गया, तो यही आपका कोसेंट हो गया। सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड सिक्स एक्स फाइव है, डिवीजन है थ्री है, ठीक, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो, सिक्स एक्स फाइव है, ये डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन होगा तो वन बटा थ्री एक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे नहीं कुछ है तो वन है, तो थ्री से ये सिक्स कितना टाइम में, टू टाइम में कट गया, कितना बच गया, टू एक्स के फाइव बच गया, नीचे क्या बच गया, एक्स बच गया, एक्स एक्स बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टू एक्स फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा, टू एक्स फोर हो जाएगा। तो यही तो करना है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी करना है। समझी शांतनी? हाँ सर। यही तो बबुल सर, वन वन नहीं कटेगा। अरे वन वन काटो चाहे नहीं काटो, यही सब बबू धीरे धीरे पहाड़ बन जाता है। बेसिक नहीं क्लियर होगा तो यही सब धीरे धीरे बेसिक से शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम लोग बड़े। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। काहे बंद कर दे, जल्दी लिखो, अभी तक लिखेगा ना। डन सर। सर भेज दीजिए सर, इसका नहीं दिख रहा। अरे शैतान, कल से डाटा बचा के रखना है, बाबू हम कितना फोटो क्लिक करके भेजेंगे जी, ग्रुप भी भर जाएगा। सर नेट का स्पीड स्लो है सर, सर मेरा तो एक्टिंग से भर गया सर। मम्मी जल्दी लिखिए बाबू, जल्दी लिखिए। तीन क्वेश्चन दीजिए, तीन क्वेश्चन दे, कहा है तीन को दे, अच्छा हल्ला मत कीजिए। काहे कछुआ, स्कूल का भी होमवर्क है, ट्यूशन का भी होमवर्क। 573 x पावर 4 5 पावर 4 सर कोई नंबर तो दे दीजिए सर, मल्टीप्लाई करने के लिए सर, डिवाइड करने के लिए। ठीक है, हल्ला मत करो सर, इसको दोनों मेथड से करना है। हाँ सर, मैं सेकंड मेथड से कर सकता हूँ सर, वो बहुत छोटा है। 574 में सर 32 x का पावर सर 110 है कि सर 10 सर, मैं सिर्फ सेकंड मेथड का यूज कर सकता हूँ। कूट देंगे पकड़ के दोनों से, क्या सारा मेथड से बनाना 10 सर, मैं कैलकुलेटर क्या यूज कर सकती हूँ सर, और क्वेश्चन है, इतना ही लीजिए सर। सर हम लोगों का स्कूल भी है। बाय सर। ठीक है शैतान जा। बाय सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट सर। म्यूट करोगे उसके।